राजू जी, जिस तरह पता है कि फिल्म इतनी बड़ी हिट हो गई केसरी, जिसने पिछले 5 दिन में 86.32 करोड़ का धंधा कर लिया है, और इस फिल्म में आपने बैकग्राउंड दिया है, तो कैसी फीलिंग हो रही इस फिल्म के सुपरहिट होने के लिए और आपके म्यूजिक के लिए? अपनी कोई चीज़ का सक्सेस देखने में तो जो खुशी होती है वो एक अलग ही चीज़ है, बट ये चीज़ जब हम काम कर रहे होते तब उसको वो माइंड डिस्कनेक्ट करना पड़ता है कि ये हिट होगा फ्लॉप होगा नथिंग, इट्स ओनली अबाउट वर्किंग एंड डूइंग इट। और उसका जब हमें जब रिजल्ट मिलता है कि लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, उससे बड़ी और खुशी क्या हो सकती है। फिल्म इज मेड बाय आई थिंक अनुराग, चीयर्स फॉर दैट। आपकी अनुराग के साथ ही दूसरी फिल्म है, पहली फिल्म नेशनल अवार्ड मिला 1984 पंजाब के लिए, और इस फिल्म में आपको कितना वक्त लगा बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए? इस फिल्म केसरी में हमें मुझे एक्चुअली अनुराग सिंह जो डायरेक्टर हैं उन्होंने शुरू में ही नरेशन दिया था कि क्या चीज़ है। कुछ कुछ चीज़ें हमने बैकग्राउंड स्कोर के पार्ट हमने फिल्म के शूट के पहले रिकॉर्ड कर लिए, ऑलमोस्ट हम सॉन्ग फील हो वो इन्वॉल्वमेंट तब से रहा है, लेकिन एक्चुअल फिजिकल वर्क इन द लास्ट 3 मंथ्स जो काम हुआ उसमें हुआ है, क्योंकि कौन चीज़ को डिसाइड करना है, क्या करना है, और फिर उसके बाद में उस प्रोडक्शन क्या वैल्यूज ले रहे हैं, और उसका देन वी रिकॉर्ड लाइव वायलेंस, लाइव ब्रास, लाइव कॉयर्स, लाइव इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे अफगानी रबाब, ऑल दीज थिंग्स, ये सब करने में वक्त लगा है, और हम तब तक लगे रहे जब तक हमें लगा नहीं कि नहीं ना दिस इज़ राइट। सर, 150 फिल्म्स होने आ गई हैं आपकी एज अ म्यूजिक कंपोजर एंड बैकग्राउंड स्कोर, और आपने महेश भट्टी के साथ बहुत सारी फिल्में की हैं, मधुर भंडारकर की बहुत सारी फिल्में की हैं, और बहुत सारे सुपरहिट गाने हैं, पहले फिल्म 1984 में आई, तो इतना लंबा जर्नी 3 डिकेड्स कंप्लीट हो गया है, तो इस जर्नी के बारे में कुछ क्या कहें? फ्रेंकली स्पीकिंग, मुझे कुछ ऐसा लगता है कि इतना टाइम हो गया, मैं खुद सोचता हूँ तो ऐसा लगता है कि कैसे हो इतना टाइम। और अबाउट द नंबर ऑफ गेम जो बोलेंगे, इतनी फिल्म हो गई हैं सब होगी, ये भी एक रास्ते में काम करता था, मतलब आई थिंक आई जस्ट केप डूइंग, जो काम आता था, जो अच्छा लगता था वो करता रहा, करता रहा, करता रहा। सडनली टुडे नंबर गेम इज लुकिंग बिगर देन यू नो लाइक एवरीथिंग इज, बट आई थिंक इट्स अबाउट अपना काम करते रहो करते रहो, वेदर नंबर बढ़े या उसकी अवार्ड्स या उसके रिवॉर्ड्स, आई थिंक दैट इज नॉट इन योर हैंड्स, आई थिंक उसी बारे में सोचना नहीं चाहिए, अपना काम कर सकते हैं वो हमारे हाथ में, वो करते रहो। इतनी सारी फिल्में हो गई हैं, इसमें एक ऐसी कोई 3-4 फिल्में हो जो आपके दिल के बहुत करीब है, या उसका गाना, ऐसी कौन सी फिल्म होगी जो एज अ कंपोजर एंड एज अ बैकग्राउंड में अगर आपने जिस फिल्मों के लिए म्यूजिक दिया है? मेरे लिए जो फिल्म पहली बार देखने पे लगा था कि वो जो फिल्म को देखने से ऐसा लगता था अरे यार ये डेंजरस फिल्म बैकग्राउंड स्कोर करने के लिए, क्योंकि मैं थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो पिक्चर खराब कर सकता जी। और केसरी उसमें से एक है, चांदनी बार उसने सत्ता, ट्रैफिक सिग्नल, जहर, तो ऐसे कई पिक्चर हैं जो जिन्हें पहली बार देखने में ऐसा लगता था टाइम टू रीइन्वेंट योरसेल्फ एंड लुक इनटू इट प्रॉपर। तो आई थिंक जो काम आता है उसमें हमें ढूंढना पड़ता है कि अपने लिए क्या चैलेंज है उसमें, और वो ढूंढ के उसको और इंटरेस्टिंग बना, और इसीलिए शायद मुझे पता ही नहीं लगा इतने साल कैसे हो गए। अच्छा, जो आपके दिल के सबसे करीब कौन सा गाना है? वो आपके हाथ में गिटार भी है, हम वो गाना सुनना चाहेंगे। तू का जो गाना था जी सोनिया
सोनियों तुझे देखता तो सोचता चाहे जो भी हो तू बस दे दे मेरा साथ। मैंने शॉर्ट करने के लिए बीच की लाइन नहीं गई। अच्छा, अभी इसके बाद केसरी कलर केसरी सुपरहिट चल रहा है, आने वाली फिल्मों के बारे में कुछ बताएं। आने वाली फिल्म में एक फिल्म है जो it's too early to talk about, but that's a good launch of a new artist. New star sun bol sakte hain, but wo jab tak confirm nahi ho jayega uska naam lena sahi nahi. And then there is a film, Punjabi film called Ishq Hai Religion, ek animation Punjabi film. It's called Sahib Kaun. Hopefully, Mohit Suri's Malang will be there. Pratsav's Sarak too. So, अच्छे अच्छे पिक्चर आ गए हैं। सर, पंजाब के दर्शकों ने फरमाइश भेजी है कि आप सत्ता गाना जरूर सुनाएं। सत्ता? वो जितना मुझे याद मत निकाल। गुनगुनाती है गीत गाती है जिंदगी तुम चाहे तो गुनगुनाती है गीत गाती है तुम जिंदगी तुम चाहे तो तुम याद आए का गाना था एक सारे सपने कहीं आए हम क्या से क्या हो गए सारे सपने कहीं खो गए आए हम क्या से क्या हो गए सबसे बड़ा खिलाड़ी खिलाड़ियों के खिलाड़ी बहुत सारी फिल्में की आपने, अभी केसरी जो कलरफुल चल रही है, तो इतनी सारी फिल्मों में अक्षय के साथ आपने काम किया है, तो उसके साथ आपका तालमेल कैसा रहा और कितनी बार आपसे मुलाकात हुई? सच्चाई है, मैं भी तो मिलेंगे। मेरा काम है अपने स्टूडियो में बैठ के डायरेक्टर्स के साथ में मेनली वो सब तालमेल एंड नॉर्मली बैकग्राउंड स्कोर्स क्या होता है जब शूट हो गई होती है और फिर उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा होता है तब जाके बैकग्राउंड म्यूजिक डायरेक्टर उसे अपना काम करने का चांस होता है तो तब तक तो सब अपना काम करके चले गए
So, but even in this, though I was involved in the right from the beginning, but I think I, the interaction was mainly with Raju Singh, and that's where it started, and that's where it ended also. लेकिन पहले तो जब पहले जो फिल्में बनती थी उसमें एक्टर्स आते थे नरेशन में भी और म्यूजिक रिकॉर्डिंग पर भी तो सौगंध और इन सब फिल्मों में मुलाकात नहीं हुई अक्षय से नो आई थिंक खिलाड़ी और खिलाड़ी के टाइम पे हमने एक थीम किया था और उसमें हम किसी से कहीं हम किसी से कम नहीं जैसे ना एक म्यूजिक पीस था उसमें टडंग डंग डंग डडंग डडंग टडंग डंग डंग डडंग Yeah, yeah. तो वो भी ओरिजिनली मेरे डैडी ने बजाया था उसको तो हमने एक थीम किया था जो जो समथिंग रिमेंबर समथिंग सो दिस वाज अक्षय कुमार्स थीम एंड ही हैपेंड टू कम फॉर द बैकग्राउंड स्कोर एंड दिस वकाओ वाज हिज आइडिया सो ही सैंपल्ड टू यूज हिज वॉइस ओनली एज so that's where the interaction actually mainly happened. तो आपको कैसा लग रहा है इतनी फिल्में इतना सारा म्यूजिक और अब कितने सारे अवार्ड इस फिल्म के लिए बैकग्राउंड बेस्ट म्यूजिक का आपको स्कोर के लिए मिलना वाला है एडवांस में हम लोग आपको ऑल द बेस्ट कहते हैं अरे थैंक यू आपके शुक्र बट आई थिंक पीपल हैव लाइक्ड इट लव्ड इट That's most important. इसके आगे I think so जो awards जो ये सब होते is an appreciation or added bonus from the industry itself also, and plus from the people outside who vote for it. But अच्छा लगता है कि हमने अपना काम किया और appreciate हुआ लोगों तक सही तरीके से पहुँचा. इसके आगे वो life long हमें तो life long चीजें अपना कुछ ना कुछ फायदा देते रहती हैं and बस ऐसे ही रहे कि ऊपर वाला हाथ रखे और हमारे हाथ से काम सही होता रहे अच्छा पीछे आप